हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो क्या दिया है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट उन्होंने बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा। आगे बोला है इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। उसके बाद क्या लिखा है? डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब डबल करेंगे उसके प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट? यही रूट्स के प्रोडक्ट, जिसको बोलेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या? अल्फा प्लस बीटा इस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के डबल है। ठीक है, अगर ये 5 रहेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 5 रहेंगी, तो अल्फा प्लस बीटा उसका डबल रहेगा, मतलब 10 हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो मैंने अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को डबल कर दिया तो मुझे मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन दिया है। और क्या बोला है कि के निकालो, के निकालो, ये आपका गिवन दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है गिवन, ये आपको दिया है। अब आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xkx, मैं इसको लिखूंगा प्लस माइनस 4kx। ठीक है, और आगे दिया है प्लस k+3। इसके साथ यहाँ पर देखो, इसके साथ वेरिएबल दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है ना, k भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, दोनों के साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर x के साथ माइनस 4k है और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मैंने अगर जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूँगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप एक्स स्क्वायर देखो, a की जगह कुछ नहीं, मतलब 1 है, b की जगह क्या है? माइनस 4 है, c की जगह ये पूरा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएंगी 1, b की वैल्यू आएंगी माइनस 4k और c की वैल्यू आएंगी k+3। ध्यान दो, ए वैल्यू, बी वैल्यू और सी वैल्यू, सी की वैल्यू पूरी आएंगी k+3। अब उन्होंने बोला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस रखूंगा, माइनस के बाद क्या है? बी है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस फोर के। अब आप बोलेंगे डबल माइनस कैसे? ये तो फॉर्मूले का माइनस था ना पहले वाला, दूसरे वाला तो बी के अंदर माइनस आ रहा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस माइनस प्लस, और ये बच रहा है 4k/1, जिसको हम लोग बोलेंगे 4k। नीचे 1 नहीं भी लिखे तो चलता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई आपको, मिल गई। अब मुझे निकालना है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसका फॉर्मूला है c/a। इसका फॉर्मूला क्या है? c/a। तो c मेरे पास क्या है? c है मेरे पास k+3। c की जगह रख दूंगा k+3। ठीक है, और नीचे a की जगह पे 1, a की जगह पे क्या 1। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है? k+3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? k+3। ये भी आपको बता देता हूँ, इस तरह से इसको बॉक्स बना देता हूँ। अब ये वाली इक्वेशन ले लो आप, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ये वाली इक्वेशन ले लो, ये पूरी क्या है? अल्फा प्लस बीटा। एक काम करो, ये नीचे का रफ कर देता हूँ ताकि आपको वहीं समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ इतना रफ कर देता। देखो ये इक्वेशन, देखो क्या है, क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4k है, तो इसकी जगह पे रख दूंगा 4k। ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है? k+3। ठीक है, हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करो, ये 2 को इधर लेकर आओ, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये साइड आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 4k के नीचे आ जाएगा 2 डिवाइड में, उधर बचेगा k+3। अब ये 2 1 2 2, तो लेफ्ट साइड में बच रहा है आपके पास 2k और राइट साइड में बच रहा है k+3। अब क्या करूँगा मैं, k को लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि k सब एक तरफ होना चाहिए ना। तो लेफ्ट साइड में पहले से 2k है, ये k इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस k, क्योंकि इधर प्लस है तो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा। अब राइट साइड में सिर्फ बच रहा है 3, क्या बच रहा है? सिर्फ बच रहा है 3, 2k माइनस k, माइनस k मतलब माइनस 1k, दो k में से 1k गया तो कितना बचेगा? 1k बचेगा, ये 1k बचा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बच रहा है? 3। तो k की वैल्यू क्या आ रही है?
थ्री, के की वैल्यू क्या रही है इस हिसाब से, थ्री। तो यहाँ पर हमको के ही फाइंड आउट करना था, उसकी वैल्यू आ गई थ्री। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।